शेखपुर थाना अधिकारी के निलंबन की मांग को लेकर लगातार आज तीसरे दिन भी धरना जारी है। इस मौके पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियार वहां पर इनके समर्थन के लिए पहुंचे हैं। साथ ही वहां पर पहुंचे अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के खिलाफ में जो भी धारा है बच्चा आना चाहिए, केस चले हर घर में अगर 10 आदमी है तो उसमें 9 आदमी साथ ही उनके साथ में 2 कांस्टेबल भी थे, इनमें से एक कांस्टेबल सरल समाज के मान सम्मान आदमी को काटता है और सरल समाज के लोगों के साथ में सरदारी का सवाल है और उनको अभी किसी प्रशासन या किसी का नहीं बचा। उसके बाद हम लोगों ने हमारी इज्जत का सवाल है किया था कि पहले ना कोई प्रशासन सुन रहा है आश्वासन देने और ना कोई दूसरा सुनने वाला है और आपके कल के शक्ति प्रदर्शन से ये सरकार भी हिलेगी, ये एसपी भी हिलेगा और ये प्रशासन भी हिलेगा। इसलिए उसको कल के पैदल मार्च को हल्के में मत लेना। अगर आपने हल्के में ले लिया फिर भी उसके बाद में वहां पे थाने जाके खड़े थे, उसमें थाने के अंदर में गए वो जितने भी कांस्टेबल और जितना यूथ बैठा है, अगर सबको एसपी द्वारा इस तरीके की हमारे साथ में और सबको हैवान करना है अपने मोबाइल जिसके पास फोर्स वहां पे कमिटमेंट उन लोगों ने किया उससे जाहिर हो रहा था कि वो मिली बनते भाई है जो हमारा सर्व समाज का जनांदोलन और यहाँ के सत्याचार अधिकारी उनको बचाने की साजिश कर रहे हैं। इसमें कल सुबह 9 बजे आकर इस पैदल मार्च को कामयाब करें। इसमें हमारे सर्व जाति के सामान्य बुजुर्ग और जिम्मेदार लोग और कमेटी के लोग रहेंगे। मेरा इतना ही कहना जय हिंद जय भारत खुदा। हम लोगों ने एक टारगेट दिया था कि 2 तारीख को हम लोग गांधी जयंती के दिन यहाँ से तिजारा तक एक पैदल मंच यात्रा करेंगे। साथ ही उसके बाद जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था, भीम आर्मी ने पहले हम लोगों को समर्थन दिया और वो लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी भी आज अपना यहाँ पे समर्थन पूरी तरीके से देने जा रहे हैं। उसके बाद में लगातार आज हमारे पास में राकेश टिकैत साहब का भी हमारे पास में फ़ोन आया कि अगर आप लोग ये नहीं मानी जाती हैं तो वो भी बहुत जल्द हमारे बीच में इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और उनकी पूरी किसान आंदोलन की जितनी भी पूरी टीम है वो भी हमारे बाद में बीच आएगी। आज कुछ किसान आंदोलन के साथी भी हमारे बीच में इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। तो आने वाले दौर में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर वो हमारी मांगे वो जल्द पूरी नहीं कहती है तो ये आंदोलन अब एक आदमी रोजगार का आंदोलन नहीं हुआ, एक सर्व समाज का आंदोलन बन गया और ये एक नेशनल आंदोलन बनने जा रहा है। तो कल जो हम यहाँ से SDM साहब के वहाँ तक ज्ञापन देंगे, करीब 20 से 30 हज़ार लोग आने की उम्मीद है, इसमें जताई जा रही है कि 20 से 30 हज़ार लोग यहाँ पे आएंगे। तो बहुत जल्द राकेश टिकैत साहब भी हमारे बीच में रहेंगे, आम आदमी पार्टी का भी पूरा समर्थन आज हम लोगों को हासिल हो जाएगा और कल आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोगों के संजय सिंह तक के भी यहाँ पे उस पर नजर है कि आंदोलन किस तरीके का हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से कि जिस तरह से पार्टी आपको समर्थन दे रही है ये सर्व समाज आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है? नहीं सर, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। एक जितनी भी पार्टियों का यहाँ पे हमारे पास में फोन आ रहे हैं वो एक न्याय के एक बुजुर्ग को न्याय दिलाने अगर के लिए कोई मुस्लिम खड़े मिल जाए, सब लोग हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं तो हम लोग तो सबका स्वागत करते हैं कि एक बुजुर्ग के साथ में जिस तरीके से उसको नंगा करके पीटा जा रहा है, 75 साल के बुजुर्ग को बिना किसी केस के मौके को पीटा जा रहा है, तो ये इसको राजनीतिक आंदोलन के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। एक बुजुर्ग के साथ में जो हुआ अत्याचार है उसको न्याय दिलाने के लिए सभी लोग हमारे बीच में हाजिर हो रहे हैं। इसको किसी भी राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाहिए, ना ये कोई राजनीतिक मूवमेंट है, ये सर्व समाज का एक आंदोलन है और ये भाइयों पे बुजुर्ग के साथ जो घटना हुई है उसके लिए आंदोलन है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन है। यहाँ का जो विधायक है संदीप यादव, क्या किसी तरह का कोई मैसेज या कुछ जो विधायक है यहाँ के उसके क्षेत्र में इतना बड़ा धरना चल रहा है, सर्व समाज और धरना करना है, उसके खिलाफ क्या उन्होंने कुछ कहा या कुछ मैसेज उसका? हमारे पास में विधायक जी कल भी यहाँ से वो लोग निकल के जा रहे थे, उनके कांग्रेस के एक बड़े नेता देवेंद्र यादव जी भी यहाँ से निकल के गए हैं, साथ ही हमारे साथियों ने उसको भी अवगत करा था हमारे बुजुर्ग के साथ इस तरीके की घटना की गई है, आप इसको संज्ञान में ले। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है विधायक जी भी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो उनके विधानसभा में पहली बार इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके घरों तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। अभी तक हमारे पास विधायक साहब की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। 2 बार हमारे पास में DSP साहब यहाँ पे कल भी आए थे हमारे पास में, लेकिन उन लोगों ने हमारी बातें कोई भी मानने के लिए अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ वो हवाले दे रहे कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन। हमें समझ में नहीं आ रहा कि पूरे जन आंदोलन यहाँ पे इतने लोगों की एक सेंटिमेंट्स को जगा के अभी भी उनका एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, जबकि एक कल हमारे साथ में कुछ के खिलाफ में एक दलित समाज की बच्ची जिनके खिलाफ में एक दहेज प्रताड़ना का केस, उनके साथ में बर्बरता के केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन 1 जुलाई को यहाँ उनके खिलाफ में हुई हो रखी है, उसकी अभी तक कोई जांच वहाँ पर नहीं गई। उनसे भी इस SHO द्वारा पैसों की डिमांड की गई है, साथ ही एक लड़के दलित समाज का एक बच्चा है उसने भी उनके खिलाफ में FIR दर्ज है और जिस थाने के अंदर
FIR दर्ज हो जाती है किसी भी SHO के खिलाफ, फिर भी वो उसी पे ड्यूटी कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन है। मुझे तो लगता है कि उस SHO पर किसी न किसी बड़े राजनीतिक उनका प्रेशर है, तभी उस SHO को सस्पेंड नहीं किया। तो मैं साथ सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस आंदोलन में कल भी आप वो लोग हमारी मांगे, सिर्फ मांगे हमारी ये है कि उस SHO को बर्खास्त किया जाए, उस पर जो भी मुकदमा है उसको उस मुकदमे के जरिए केस चला जाए, उनके खिलाफ सिर्फ हमारी मांगे। आपको क्या लगता है जिस तरह से इतना बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, सर समाज आंदोलन कर रहा है, तो उसमें क्यों सरकार या फिर यहाँ के जो प्रशासन है क्यों एक्शन नहीं ले रहा? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार की नजरिए से वो लोग देख रहे हैं कि 50,000 रुपए मांग के लिए हर लोगों से वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, मैं डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकता इसमें क्या रीजन है, नहीं तो एक SHO के खिलाफ में जब उसी थाने के अंदर उनके खिलाफ उसी थाने के अंदर FIR हो गई है, फिर भी एडिशनल SP साहब और विधायक साहब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये पूरे उसी खेल में वो लोग शामिल हैं और वो उसमें राजनीतिक एंगल ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से SHO CAG की मीटिंग के लिए बाहर से लोगों को बुला के और थाने पर भाषण देता है, जब CAG की मीटिंग होती है तो CAG की मीटिंग का भी उल्लंघन है, तो उससे तो लगता है कि वो SHO यहाँ पर राजनीति करने के लिए आया और एक यहाँ के समाज को एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आज भी यही कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे बीच में आज 4 बजे के आसपास चंद्रशेखर जी रहेंगे, उसके बाद भीम आदमी के अभी राष्ट्रीय संयोजक जी मंजीत नोटियाल जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं। हम लोग अपना शांतिपूर्वक धरना जारी रखें, कल हम लोग यहां से SDM साहब तक अपने कूच करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक हमारा धरना रहेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी हम लोग लगातार इसी धरने में बैठे रहेंगे और ये धरना आगे तक भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये एक सर्व समाज का धरना है। एक लोगों में रोष है कि हमारे बुजुर्ग के साथ जिस तरीके से हमने घटना हुई है वो सिर्फ शारीरिक घटना नहीं थी बल्कि मनोवैज्ञानिक घटना भी थी। उस बुजुर्ग के आज तक इस तरीके की हालात है जो मेंटली अभी तक उनको नहीं मनाया गया। हम लोग अभी भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग आए हमारे बीच में, आए हमारी मांगों को पूरी करें और हमारे बुजुर्ग के साथ जो उस तरीके की बर्बरता हुई है, उनके सीनियर आदमी उसके सस्पेंशन के साथ और उसके खिलाफ जो FIR हुई है उस पर मुकदमा चलाए और यहाँ पे माफी मांगे, तभी ये आंदोलन खत्म हो सकता है। धन्यवाद।